रुक करते हैं कानपुर की ओर, जहां पर चकेरी क्षेत्र में बतौर बिल्डर का काम करने वाले शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने ही ठेकेदार को काम के पैसे मांगने पर ऐसी सजा दी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव अपनी बिल्डरों को ठेके पर बनवाया करता था, जिसका ठेका वो अपने ही ठेकेदार राजेंद्र को देता था, लेकिन पिछले काफी समय से उसने अपने ठेकेदार का भुगतान नहीं किया और भुगतान की रकम लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि अब तक 18 लाख पहुंच चुकी थी। इस पर ठेकेदार को बिल्डर ने अपने घर बुलाया। ठेकेदार ने जब उससे अपने पैसे मांगे तो इस बिल्डर ने गुस्से में आकर अपने मुनीम के द्वारा अपने घर पर उसे बुलवाया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। जब मारपीट से भी बिल्डर का मन नहीं भरा या गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने ठेकेदार को जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया और उसे आग लगा दी गई। फिलहाल ये जो बिल्डर है मौके से फरार है और वर्तमान समय में पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच जंग हार चुका है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया है और पुलिस ने अब पीड़ित पक्ष की तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू किया। देखिए, थाना क्षेत्र चकेरी और जो हमारा चौकी श्यामनगर है वहाँ का एक मैटर है, एक जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ करी है और एक सब जो घटना है इसमें एक राजेंद्र पाल करके उनकी जो आग लगा देने की सूचना मिली थी, उस पर पुलिस पहुंची, उनको तत्काल उपचार के भी ले लिया गया और वहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, संक्रामक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें पता चला है कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे जिनकी मृत्यु हो गई, जो बिल्डर है श्रीवास्तव करके और इनके साथ इनका लेन देन का जो भी विवाद रहा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट भी अभी कर लिया है और तहरीर। तो वही नगर निगम जोन 3 ऑफिस के नीचे जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अपनी ही बिल्डिंग की नींव नहीं बचा सका नगर निगम और हल्की बारिश में ही नगर निगम जोन 3 ऑफिस के नीचे सड़क पर जलभराव हो गया है। शहर में जलभराव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये समस्या आखिर खत्म कौन करेगा। नगर निगम जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है और आपको दिखा दें तस्वीरों में भी कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव हो चुका है और नगर निगम के ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जलभराव की समस्या है। सावन की पहली ही बारिश ने कानपुर नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। पूरा मामला आपको बता दें कि यहां पर जलमग्न का है, जो कि पूरा शहर जलमग्न हो चुका है और कुछ सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। नगर निगम की इस बारिश के लिए तैयारी के दावों पर सावन की पहली ही बारिश ने पानी फेर दिया है। मौसम विभाग ने आज भीषण बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब पहली बारिश में इतना यह हाल है तो आगे जो अलर्ट जारी किया गया उस बारिश में क्या होगा। भीषण बारिश से कानपुर के मरियम रोड, विजयनगर, गल्ला मंडी, शास्त्री नगर, किदवाई नगर, गोविंद नगर मार्केट समेत जूहू खलवा पुल और सर्वोदय नगर, आरटीओ रोड समेत कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। भीषण बारिश से बिगड़े हुए हालातों पर एक नजर डालते हैं। बहुत समय बाद पहली बारिश हुई, जो जिस तरह देख रहे हैं पहली बारिश के बाद किस तरह से नगर निगम की जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आई हैं। नगर निगम से ने बारिश से पहले बहुत सारे इंतजाम करे थे, नाले सफाई को लेकर बहुत सारे इंतजाम करे थे, लेकिन वो जो जितने इंतजाम थे वो कहीं ना कहीं खाली नज़र आ रहे हैं। चूँकि मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से जो बारिश है, ये समझ में आ रही है कि किस तरह से नाले भरे हैं, और नाले की सफाई अगर सही से करी गई होती तो ये जो जल भरा हुआ ये ना हुआ होता, जिसकी वजह से आज ये जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इंतजाम पहले करे गए थे और अब जो इंतजाम करे जाएंगे वो किस तरह से करे जाएंगे, कि केवल जो भी कार्य हैं वो केवल और केवल कागजों में नाले की सफाई हुई थी या अब नाले की सफाई जो है सही से करी जाएगी। कैमरा पर्सन नीरज राजपूत के साथ प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी, आर्या न्यूज़, कानपुर।